आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के बारे में। इस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को अवैयक्तिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर थियरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। क्या कहते हैं? डी थियरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये निर्वैयक्तिकता या अवैयक्तिकता या डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है, अर्थ क्या होता है साधारण शब्दों में। उसके बाद हम इनके सिद्धांत को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है या अवैयक्तिकता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत उनके विचार क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, निर्वैयक्तिकता का शाब्दिक अर्थ है निज के न होने का भाव। ठीक है, यानी कि अपने न होने का भाव। अवैयक्तिकता में से आप अ को हटा दीजिए तो वैयक्तिकता क्या है? अपनी निजी अनुभूतियां। और अ को हटा दीजिए तो यानी कि अपनी निजी अनुभूतियों के न होने का भाव। ठीक वैसे ही डीपर्सनलाइजेशन, पर्सनल मतलब अपना और डी मतलब जहां आप अपने आप को वहां से क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि टीएस इलियट निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में यह मानते हैं कि कवि जो कुछ भी लिखता है, सृजन करता है, प्रस्तुत करता है, उस प्रस्तुतिकरण में वह एक माध्यम मात्र होता है, जस्ट बिकम अ मीडियम, एक सोर्स ऑफ मीडियम होता है। उसका अपना जो निजीपन है, जो निजत्व है, जो अपनी निजी जो अनुभूतियां हैं, वह बदले रूप में क्या होती हैं, दर्शक या पाठक के सामने प्रस्तुत होती है। इसे ऐसे समझिए कि एक कवि है, उसके पास प्रतिभा है, क्षमता है। ठीक है, अपनी उस प्रतिभा, अपनी उस क्षमता से वो अपने आसपास के समय को, समाज को, जीवन को देखता है, अनुभूतियों को प्राप्त करता है, दूसरे लोगों की अनुभूतियों को देखता है, जीवन को देखता है, उससे भी वह क्या करता है, उन अनुभूतियों को अपने पास आत्मसात करता है। दूसरे की अनुभूतियां, अब कवि ने उसे देखा, समझा, गहराई में डूबा, एकदम उससे तादात्म्य स्थापित कर लिया दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से, और उस अनुभूति को अपनी अनुभूति बना लेता है। ठीक है, अब दूसरे की अनुभूति को या स्वयं की अनुभूति को जब वह रचना में प्रस्तुत करता है, विवरण करता है उसका, जब वह शब्दों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, वाक्य खंडों के माध्यम से रचना में जब प्रस्तुत करता है, तो वह जो अनुभूति जो कवि की अपनी थी या दूसरे की थी, जिसे कवि ने आत्मसात करके प्रस्तुत किया, उस अनुभूति का क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, यानी कि उस अनुभूति को पढ़ने वाले, सुनने वाले या देखने वाले उससे जुड़ाव महसूस करने लगे, उस अनुभूति से उनका एक तादात्म स्थापित हो गया, और वह अनुभूति बदले हुए रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में कवि क्या हुआ, एक माध्यम मात्र रहा, जिसने अपनी अनुभूति को या दूसरे की अनुभूति को सामान्यीकृत कर दिया। अब साधारणीकरण को याद करिए आप, जनरलाइजेशन। निर्वैयक्तिकता के जिस सिद्धांत की बात टीएस इलियट 20वीं शताब्दी में कर रहे हैं, भारतीय रस संप्रदाय के आचार्यों ने 8वीं 9वीं शताब्दी में इस बारे में बहुत बृहत्तर ढंग से क्या किया है, बात की है। तो यानी कि वह विशिष्ट अनुभव जो था, अनुभूति जो थी, वह सामान्यीकृत हो गई, वहां कोई एक व्यक्ति नहीं रहा, इसलिए वह क्या हो गई, निर्वैयक्तिकता। आई बात समझ में? अब एक और उदाहरण देता हूं। निराला की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है भिक्षुक, जानते हैं ना आप। वह आता पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता पछताता पथ पर आता। एक भिक्षुक है, उस भिक्षुक के दर्द को, दुख को, विवशता को, लाचारी को, पीड़ा को कवि देखता है, उस अनुभूति से पूर्णतः तादात्म स्थापित कर लेता है, यानी कि एकदम उससे एकदम पूरी तरह क्या कर लेता है, जुड़ाव महसूस कर लेता है। और जुड़ाव महसूस करने के लिए कवि को क्या करना पड़ता है, आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है, सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि आप नहीं रहते हैं, आप पूरी तरह से वह अनुभूति बन जाते हैं जो आप दूसरे को, दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूसरे की अनुभूति को आप
महसूस कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप को क्या कर देते हैं, आत्मोत्सर्ग करके बनने लगते हैं, वैसा महसूस करने लगते हैं। अब उस भिक्षुक की अनुभूति को कवि ने आत्मसात किया, आत्मोत्सर्ग किया, उसे अपनाया और उस अनुभूति को स्वच्छंद ढंग से जब कविता में प्रस्तुत किया तो हम आप सारे लोग, उस कविता को पढ़ने वाले जो लोग हैं, उस कविता के मर्म को समझने वाले जो लोग हैं, उस भिक्षुक के जीवन से क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। अर्थात ये जो कवि था, कवि का अपना कुछ नहीं रहा, उसने उस अनुभूति को आत्मसात किया और दूसरे तक प्रस्तुत कर दिया और ये जो भाव था, ये जो अनुभूति थी, यह क्या हो गई, सामान्यीकृत हो गई, सब तक समझ, सब तक, सभी तक क्या हो गई, पहुंच गई, यानी कि अपने न होने का भाव अब वो कवि का नहीं रहा, वो आपका हो गया, वो दर्शक का हो गया, वो पाठक का हो गया, वो श्रोता का हो गया। टी.एस. एलियट कहते हैं यही है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और उन्होंने इस क्रम में एक उदाहरण भी दिया है, एक उदाहरण देकर के समझाया है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में टी.एस. एलियट एक कैटलिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, कैटलिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि कवि एक ऐसा सूक्ष्म और पूर्ण माध्यम है जिसमें विशिष्ट या विविध संवेदनाएं जो हैं वो स्वच्छंदता पूर्वक नए रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि यह एक गैस चैम्बर है, ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा ये जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कहते हैं कि एक ही जगह है, ये एक ही कक्ष में है। अब यहां पे एक प्लेटिनम का तार डाला जाता है, क्या तार डाला जाता है, प्लेटिनम का, ये तार जो है, यह तार जो है वह है प्लेटिनम का। कहते हैं कि प्लेटिनम के तार डाले जाने से पहले, ठीक है ना, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड सामान्य ढंग से इस चेंबर में थे, इस कक्ष में थे, लेकिन जैसे ही प्लेटिनम का तार डाला गया, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में एक अभिक्रिया हुई, एक प्रतिक्रिया हुई, ठीक है ना, और इस अभिक्रिया और प्रतिक्रिया के स्वरूप एक नया तत्व बना जिस तत्व का नाम रहा सल्फ्यूरस एसिड, ये बन गया सल्फ्यूरस एसिड। अब कमाल की बात है कि ये जो सल्फ्यूरस एसिड बना है इसमें ना तो प्लेटिनम का कोई तत्व देखने को मिलता है, ना तो ऑक्सीजन का और ना ही सल्फर डाइऑक्साइड का। और मजेदार बात यह है कि प्लेटिनम बिल्कुल कैटलिस्ट की भूमिका में है, उस पे कोई प्रभाव नहीं है, ना ऑक्सीजन का ना सल्फर डाइऑक्साइड का। टी.एस. एलियट कहते हैं कि अगर ये प्लेटिनम नहीं होता तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरस एसिड नहीं बना पाते। आई बात समझ में, ये प्लेटिनम के होने की वजह से ही ये बन पाया है, लेकिन इस सल्फ्यूरस एसिड में न तो ऑक्सीजन है, न तो सल्फर डाइऑक्साइड है और ना तो प्लेटिनम है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये प्लेटिनम ना हो तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ्यूरस एसिड नहीं बना पाएंगे। टी.एस. एलियट कहते हैं कि कवि का मन इस प्लेटिनम की तरह होता है, वो एक प्लेटिनम होता है जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को, भावों को, विचारों को आत्मसात करता है, आने देता है, ठीक है, और फिर एक नया भाव, नया विचार ऐसा रचता है जिससे सभी क्या हो जाते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, यानी कि वो कैटलिस्ट की भूमिका में रहता है। इसलिए निर्वैयक्तिकता, इस पे कोई असर नहीं हुआ। कहा कि जो जितना महान कवि होगा, बड़ा लेखक होगा, बड़ा साहित्यकार होगा, उसमें ये प्लेटिनम वाला यानी कि कैटलिस्ट की जो भूमिका है उसमें वह ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार आप देखें कि टी.एस. एलियट कहता है कि कवि का मन एक प्लेटिनम का तार है जिसमें विभिन्न अनुभूतियां, विचार, संवेदनाएं, ठीक है ना, भाव सब नया रूप क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और वह स्वयं अप्रभावित रहता है। अब जाहिर सी बात है कि
पहले तो वो आत्मोत्सर्ग करता है, ठीक है ना, डूबता है उन अनुभूतियों को स्वीकार करता है और फिर उसे नए रूप में जब प्रस्तुत करता है तो बाकी सारे लोग भी उसे क्या कर लेते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तो टीएस इलियट ने एक एग्जाम्पल के तहत कवि को क्या किया, प्लेटिनम का तार बताया, ठीक है। और वो कहते हैं कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, बड़ा कलाकार होगा, ठीक है ना, वह स्वानुभूत भावों को या अनुभूतियों को पूर्णता आत्मसात करके उन्हें बिल्कुल नए रूप में क्या करेगा, प्रस्तुत कर सकेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जब कोई किसी एक कहानी के बारे में कोई डायरेक्टर सोचता है, निर्देशक सोचता है फिल्म बनाने के बारे में, तो प्रारंभिक अवस्था में और अंत अंत तक पहुंचते हुए कहानी में क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आपको मैंने रामायण लिखे जाने के की एक कहानी भी सुनाई थी कि उसके प्रेरक तत्व तो कुछ और होते हैं, कोई रचना जो लेखक करता है, रचनाकार करता है, उसका प्रेरक तत्व कोई और होता है, कोई एक बात होती है, लेकिन जब वह लिखा जाने लगता है तो उसमें और भी बहुत सारी बातें मिल जाती हैं और वह बिल्कुल एक नई रचना बन जाती है, नई अनुभूति बन जाती है। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में टीएस इलियट यही कहना चाहते हैं, ठीक है ना। इलियट की यह बात है, इस सिद्धांत में वो यह भी कहते हैं कि कवि का जो मन है वो एक पात्र की तरह है, एक ऐसे पात्र या बर्तन की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं, अनुभूतियां, विचार, दर्शन इत्यादि क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और वो तब तक बाहर नहीं आते जब तक सृजन का क्षण नहीं आता। जैसे ही सृजन का क्षण आता है, यानी कि वो क्षण, वो मोमेंट आता है जब उसे लगता है कि अब उसे लिखना है, अब उसे भीतर जो चीजें उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, इकट्ठी हुई हैं, उन्हें अभिव्यक्त करना है, ठीक है ना, तो जब तक सर्जना का क्षण नहीं आता तब तक वो विचार और अनुभूतियां व्यक्त नहीं होती हैं। सर्जना का क्षण आते ही, ठीक है ना, वह अपना स्वरूप त्याग कर जो इकट्ठी हुई हैं एक नए रूप में क्या कर देती हैं, संप्रेषित होकर पाठक या श्रोता के पास पहुंचती हैं। यानी कि अभी तक जो ये इकट्ठी थी कवि के भीतर, ठीक है ना, अब नए रूप में जब पहुंच रही हैं तो यहां पे एक तरह से कवि नहीं है, वह सिर्फ एक क्या है, माध्यम है। इसलिए इसे कहा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत या अवैयक्तिकता का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रश्न बेमानी है, वह मात्र एक माध्यम है। और याद रखिए कि टीएस इलियट के बारे में जब हम आरंभ की कक्षा में बातचीत कर रहे थे, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म की जो काव्यधारा थी उसमें कवि को अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है ना, दिया गया था ना, उसकी कल्पना को, उसके विचार को, उसके भाव को। वर्ड्सवर्थ ने तो यहां तक भी कह दिया था कि विचार वाली कविताएं स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इलियट कहते हैं कि नहीं, कवि को मत देखो, उसके काव्य को देखो, उस रचना को देखो। आई बात समझ में? इसलिए ये व्यक्तिक एक जो वैयक्तिकता है, इस वैयक्तिकता के महत्व को कहीं ना कहीं कम करने की इनकी कोशिश है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कवि क्या करता है, एक माध्यम के रूप में तमाम तरह की अनुभूतियों को, जिसमें उसकी अपनी अनुभूतियां भी शामिल है, उसे अभिव्यक्त करता है, वह केवल अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है, ठीक है। इलियट की यह निश्चित मान्यता है कि कलाकार की प्रकृति सतत आत्मोत्सर्ग, सेल्फ सेक्रीफाइस, निरंतर डूबते रहने में और उन अनुभूतियों को नए नए रूप में प्रस्तुत करते रहने में उसकी सार्थकता है, और यह तभी हो सकेगा जब वह प्रकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर सकेगा। सेल्फ आत्मसर्ग मतलब खुद को भुला देना, यह निर्वैयक्तिकता यही बात है ना, खुद को भुला देना, खुद के न होने का भाव, एकदम से आप तादात्म्य स्थापित कर लेना, ठीक है। तो उनका मानना है, इलियट का, कि अपने आप को प्रकृति के प्रति पूर्ण समर्पित करके ही कोई कलाकार या जो लेखक है वह अच्छे ढंग से निर्वैयक्तिकता के इस पैमाने पे खरा उतर सकता है, ठीक है ना। वो यह भी कहते हैं कि निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत वो यह भी कहते हैं कि कवि कविता रचते हुए अपनी वैयक्तिक सीमाओं का क्या कर देता है, अतिक्रमण कर देता है, उससे मुक्त हो जाता है, अपनी वैयक्तिक सीमाओं से भी वह ऊपर उठ जाता है और उसका स्वर एक व्यक्ति का स्वर न होकर समूह का स्वर हो जाता है, मानव का स्वर होता है, स्वर हो जाता है, विश्व मानव का स्वर बन जाता है। एक और उदाहरण देके आपको बताना चाहूंगा, आप सब चटनी खाते हैं ना, तो चटनी खाते हैं
तो चटनी में आप क्या क्या डालते हैं? मिर्च डालते हैं, अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, नमक डालते हैं, पुदीना डालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें डालते हैं ना। लेकिन जब चटनी बन जाती है तो इतनी सारी जो वैरायटी डाली गई है उस सबका इंडिविजुअल टेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे मिर्च का, सिर्फ मिर्च का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ लहसुन का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ अदरक का टेस्ट नहीं आएगा, यानी कि एक इंडिविजुअल का जो टेस्ट था एक का, वह समाप्त हो गया, एक नया स्वाद यहां पे बन जाता है। वो कह रहे हैं कि निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में अनुभूतियां जो तमाम तरह की आई हैं कवि के पास या उसकी अपनी, वो सब मिलजुल कर एक नई अनुभूति प्रस्तुत करती हैं, एक नया स्वाद प्रस्तुत होता है जिससे सभी क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। और यही है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन टीएस एलियट ने रोमांटिसिज्म, रोमांटिक कविताएं जो थी जिसमें व्यक्तिवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, उसके विरोध में किया था एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरा कि एजरा पाउंड से वो बहुत प्रभावित थे, एजरा पाउंड से टीएस एलियट बहुत प्रभावित थे। और एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि और वैज्ञानिक एक जैसे होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, ठीक है ना, आत्मनिष्ठ होते हैं कवि और वैज्ञानिक। और वो कहते हैं कि जैसे वैज्ञानिक का कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है, वैसे ही कवि का कार्य भी आत्मनिरपेक्ष होता है। और आप इस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह रस सिद्धांत के साधारणीकरण से बहुत मेल खाता है, जहां सभी क्या करते हैं, उस रचना से, उस नाटक से, उस काव्य से दर्शक, पाठक या अभिनेता सब क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। तो आप यह भी कह सकते हैं कि टीएस एलियट ने निर्वैयक्तिकता के जिस सिद्धांत की बात 20वीं शताब्दी में की, भारतीय आचार्यों ने 8वीं 9वीं शताब्दी में भी उस पे बहुत विस्तार से विश्लेषण उसका किया था। अब साधारणीकरण में क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो पात्र जो हर्ष विषाद दुख करुणा इत्यादि का प्रस्तुतिकरण मंच पे कर रहा है या कविता पे, कविता में जो हो रहा है, उससे अभिनय करने वाला भी जुड़ाव महसूस करता है और देखने वाला भी जुड़ाव महसूस करता है। पात्र की पीड़ा सिर्फ पात्र की पीड़ा नहीं होती है, वह सार्वभौमिक हो जाती है। वही बात है निर्वैयक्तिकता में कि कवि का वो नहीं रहता। जैसे आप साधारणीकरण में क्या होते हैं, अब कोई नाटक हो रहा है तो नाटक लिखने वाला वहां से गायब है, अब नाटक है और आप सब उस नाटक का हिस्सा बन गए, यानी कि लगता है कि वो आपकी कहानी है, उस पात्र से आप जुड़ गए हैं, उस पात्र को आप देख रहे हैं, उस पात्र और अभिनय करने वाला उस पात्र को अपने भीतर क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। यही है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। आगे बात समझ में स्पष्ट है? बस ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रोक लो।